ईरान में शनिवार को पत्रकार रोहुल्ला जम को फांसी दे दी गई। पत्रकार रोहुल्ला जम ने 2017 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को प्रेरित करने में मदद की थी। इस प्रदर्शन के दौरान 25 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन में 5000 लोग हिरासत में लिए गए थे। जम पर इस प्रदर्शन को भड़काने के आरोप थे। इस विरोध के बाद उन्हें देश निकाला दे दिया गया। पत्रकार रोहुल्ला जम आमद न्यूज नाम की एक वेबसाइट चलाते थे। जम सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर भी एक चैनल चलाते थे। कुछ समय बाद ईरानी सरकार ने शिकायत की कि जम का टेलीग्राम चैनल गैसोलीन बम बनाने की जानकारी फैला रहा है। उन पर आरोप थे कि चैनल और वेबसाइट के जरिए वो लोगों को जानकारी देते हैं कि प्रदर्शन कितने बजे होगा। इन शिकायतों के चलते टेलीग्राम चैनल को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जम पर सरकार ने विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि जम पर शिया धर्मतंत्र को चुनौती देने का भी आरोप लगा, जिस वजह से जम देश से बाहर चले गए और पेरिस में रहने लगे। जम पेरिस में रहकर काम करते थे। जब वो ईरान लौटे तो उन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया। जम को जासूसी करने और ईरान की सरकार को पलटने की कोशिश करने वाले आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया। फिर जून 2020 में एक अदालत ने जम को दुनिया में भ्रष्टाचार फैलाने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।